हाय फ्रेंड, दिस इज़ नम्रता एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल हुनर क्रिएशन। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही आसान सा वीडियो लेके आई हूँ और बहुत ही इम्पॉर्टेंट। पहला तो ये है कि ये मास्क है जो कि आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है बच्चों के लिए भी। और ये बच्चे खेलने जाते हैं तो आप जो है स्कूल भी जाते हैं तो बच्चे मास्क हटा देते हैं। तो कुछ ऐसा करिए कि बच्चे 24 आवर्स इसको लगाए रहें जब भी बाहर हैं। तो ये देखिए, मैंने मास्क जो है बनाया हुआ है, ये घर पे मेरे मास्क बने हुए हैं और इन पे देखिए जो मैंने ड्राइंग बनाई हुई है, ये पेंट किया हुआ है, ये किडिश पेंटिंग है। और ये मैंने जिस तरह से किया है, जिस तरह से बनाया है, आप लोगों को टफ लग रहा होगा पर ये बहुत ही इजी है। तो इसको पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और जैसे ही आप लोगों को ये समझ में आए तो आप लोग भी बनाने की इस वीडियो को कोशिश करिएगा। ओके, तो चलते हैं वीडियो के साइड, लेट्स गो। ये देखिए मेरे पास जो है ये मास्क है, ये होममेड है और मैंने इसको वाइट इसलिए बनाया है कि थोड़ा सा वाइट एक तो अच्छा होता है सांस वगैरह लेने में और जो है इससे धूप का भी जो है ट्रांसफ़र होता रहता है हमारी बॉडी में, तो दम नहीं घुटता है, इसलिए वाइट मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ मास्क के लिए। तो मैंने ये मास्क लिए हुए, ये घर पे मैंने बनाया है। इसके बाद ये देखिए, ये जो है इस तरह से क्लियर स्टैम्प है, ये आते हैं, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और मैंने इसको ये निकाला, ये देखिए, और एक इस तरह से मैंने मटेरियल ले लिया है, आप कुछ भी, ये मेरा जो है पेपर वेट है, मैंने इसको लिया एंड अगेन इसको निकाला और इस पर मैंने प्रेस कर दिया। फिर मैंने पिगमेंट इंक ली एंड ये देखिए इसके ऊपर, मैंने अच्छे से इसको टैप कर दिया और अब मैं इसको इसके ऊपर प्रेस करूंगी, फेस इस साइड आएगा और यहाँ पे मैं प्रेस कर रही हूँ। ये देखिए, वाओ, देखिए आप कितना खूबसूरत है। और अब यहाँ पे खाली लग रहा है तो मैं सोच रही हूँ इसके जो इसका जो बलून है वो मैं निकालती हूँ और इसको सेम प्लेस पे स्टिक कर दीजिए, तो ये आपको कभी ख़राब नहीं होगा। ये बलून लिया मैंने, इसको मैंने इस पे प्रेस किया और ये मैंने ये देखिए इस तरह से, और एक आप चाहे तो और भी कर सकते हैं इसको, ये देखिए ये दो मैंने कर दिए। इसी तरह से आपको, मेरे पास दो वैरायटी है, आप जो भी चाहें आप यूज़ कर सकते हैं, आपके पास जो वैरायटी है। आप सबसे पहले इनको जो है, एक मैंने देखे ये मैंने इसको छापा हुआ है और इससे आपको छापने में बड़ी आसानी होती है, और एक मैं इस मास्क पे छाप लेती हूँ। ओके, ये कंप्लीट हो गया है, देखिए ये सारे मैंने जो है स्टैम्प जो है लगा दिए हैं। अब हम आती है इनको कलर करने की बारी, तो हम क्या करेंगे सॉरी, सबसे पहले इसके नीचे मैं एक वाइट पेपर लगाऊंगी कि जिससे कलर इधर उधर ना हो। अब आप अपने मन के अकॉर्डिंग आप जो है कलर चूज कर सकते हैं और कलर आप कर सकते हैं। मैंने एलिफेंट के लिए ब्लू लिया है और मैं ब्लू से इसको कर रही हूँ।
और ये देखिए इस तरह से ये हमारे मास्क रेडी हो गए। अगर आपको छपाई करना नहीं आता, आपकी ड्राइंग नहीं अच्छी है, तो आप इसी तरह से क्लियर स्टेम से आप छाप के कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं और कुछ भी आप पेंटिंग कर सकते हैं और इससे आप कुछ भी बना सकते हैं। इसीलिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है कि जिनको ड्राइंग नहीं आती है, जो केवल छापने की वजह से रुक जाते हैं और कुछ भी पेंट नहीं कर पाते हैं, मैं उनके लिए ये आसान तरीका लेके आई हूँ कि आप ऐसे ही जो है इनको आप छाप लीजिए और ऐसे ही कलर कर लीजिए। तो आई होप आप लोगों को आज का मेरा ये इजी सा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और ये अपने बच्चों को मास्क दीजिए तो वो भी हमेशा लगाए रखेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कोविड और इसके नए नए वेरिएंट निकल रहे हैं, तो बच्चों के लिए मास्क बहुत ज़रूरी। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन नम्रता को बाय बाय।